Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एट्थ क्लास के कुछ वन मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, आप ये एक मैंने छोटा सा पेपर रखा है, इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, सब्सट्रैक्ट 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम इतने। तो स्टूडेंट्स, इसमें 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 में से आपको 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 इसको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाते हैं ये स्टूडेंट। तो अब देखिए, 3a में से 2a का सब्ट्रैक्ट हो गया, a आ गया, और प्लस के 5b और माइनस के 4b, तो यहाँ b आ गया। ये दोनों c माइनस के हैं, तो माइनस 3c प्लस 15। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि फाइंड दी प्रोडक्ट। तो इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है आपको, 5x प्लस 7 और 3x प्लस 4 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5x फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4 और 7 और 3x प्लस 4, तो इनका मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21x प्लस 28। अब इन दोनों को स्टूडेंट ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड 36 एक्स वाई जेड स्क्वायर से, इसको डिवाइड करना है 9xyz से। तो स्टूडेंट ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, वाई से वाई, एक्स से एक्स, 9 से इसको माइनस 9 से डिवाइड कर दी, तो ये आ जाएगा माइनस 4z। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर है, फैक्टोराइज 2n² प्लस 3n। तो स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करने के लिए इसमें देखिए n कॉमन है स्टूडेंट्स, क्या कॉमन है, n इसमें कॉमन आएगा, तो n कॉमन ले लीजिए, बस यही स्टूडेंट इसका फैक्टर है, 2n प्लस 3 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव में स्टूडेंट्स क्या है, फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसको स्टूडेंट हमें फैक्टराइज करना, तो स्टूडेंट्स इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो ये प्रॉपर्टी यूज होती है कि a माइनस बी और a प्लस बी स्टूडेंट। तो इसके हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स आएगा x माइनस 6 और x प्लस 6, यानी एक बार हम प्लस में लिख देते स्टूडेंट्स, इसको एक बार माइनस में लिख देते। अब स्टूडेंट्स जो सिक्स क्वेश्चन है आपका वो ये है, सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट सॉल्व, देखिए इधर ये है सॉल्व 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। तो स्टूडेंट्स एक्स वाले एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ, तो दोनों को एक साइड लिख लीजिए, तो इसका अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो स्टूडेंट 5x इज इक्वल टू 20, सो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, तो ये आ गया स्टूडेंट्स का फोर आंसर। अब स्टूडेंट जो सेवन क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए इसमें दिया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब स्टूडेंट इसी तरीके से इसमें ये x इधर लाइए और ये 3 इधर ले जाइए, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी, जो ऑप्शन सी है वो ये सही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट में ये कह रहा है कि कन्वर्ट द रेशियो 3:4, ये जो आपका 3:4 है, 3:4 ये स्टूडेंट, कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। तो 3:4 को स्टूडेंट परसेंटेज में बदलना है, तो ये हो जाएगा 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया स्टूडेंट, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 25, तो ये आ गया 75%। तो 8 का आंसर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका बी आंसर हो गया। फिर स्टूडेंट्स 9 है,
एक्सप्रेस 48% एज अ फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट 48% का मतलब है 48/100। अब स्टूडेंट 4 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया, ये 12 आ गया, तो ये आ जाएगा 12/25। ये स्टूडेंट्स इसको हम 48% एज अ फ्रैक्शन, तो ये स्टूडेंट्स आपका 12/25 एक फ्रैक्शन आ गया, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2/9 इज 145। तो व्हाट परसेंट 2/9 का जो व्हाट परसेंट 1/45 होगा, तो स्टूडेंट इसमें ऐसे लिखेंगे कि 1/45 डिवाइड बाई 2/9 इन 200%। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/45 इंटू 9/2 इंटू 100%। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका, इधर ये देखिए आ गया कि 100/10%। तो ये आ गया स्टूडेंट कितने परसेंट, 10% आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब इधर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, 5% ऑफ विच नंबर इज 12। किस नंबर का 5% 12 है स्टूडेंट्स, तो ये है 5% ऑफ विच नंबर, यानी 5/100 इंटू एक्स इजिकल टू अगर हम 12 करें स्टूडेंट्स, यानी 5% इस नंबर का जो 5% है वो 12 है। तो स्टूडेंट्स एक्स इजिकल टू क्या आएगा, 1200/5। तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20 कितना आ गया स्टूडेंट, 240। तो ये 240 जो है इसका हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है स्टूडेंट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 135। यानी ईच एंगल जो आपका पॉलीगॉन का है स्टूडेंट्स वो, तो स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल दिया है 135, तो उसमें साइड पता करना है। तो स्टूडेंट्स इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल दीजिए आप, तो एक्सटीरियर एंगल आएगा 180 − 135 डिग्री, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 45 आ गया। अब इसके बाद जो है साइड इज इक्वल टू होता है 360/ एक्सटीरियर एंगल के, तो स्टूडेंट्स 360/45 इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 9/5 जा, तो ये आगे स्टूडेंट कितनी साइड्स हो गई इसमें, 8 साइड्स हो गई। तो ये इसका ए ऑप्शन स्टूडेंट सही हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन इज, तो सम ऑफ ऑल इन, तो हेक्सागोन के जो सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, तो पहले स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स देखिए ये फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n − 4 इंटू राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री। अब स्टूडेंट हेक्सागोन के लिए हेक्सागोन n की वैल्यू 6 होगी, तो इसमें पुट कर दीजिए तो 2 × 6 − 4 इज इक्वल टू राइट एंगल्स। तो ये आ गया स्टूडेंट 12 में से 4 गया, 8 राइट एंगल्स आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए 8 राइट एंगल्स, ये इसका बी ऑप्शन सही हो गया। अब स्टूडेंट से अ क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स, तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट्स 15 अ क्वाड्रिलेटरल हैज, स्टूडेंट्स इसके 4 वर्टिसेस होती हैं और नो 3 ऑफ विच आर, और बाद में ये हम भरेंगे कोलिनियर, क्योंकि इसके कोई भी 3 नो 3 ऑफ कोई कोलिनियर नहीं होते, मतलब एक लाइन में नहीं होते। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर 1 मार्क।